स्टेज टू एन, इसका जनरल एक्सपांशन कैसे करते हैं? जनरल एक्सपांशन एन सी वन वन इज टू एक्स माइनस वन एक्स इज टू वन कब तक पढ़ेंगे? यहाँ से क्या करना पड़ के? चलो तुम्हें कुछ और अच्छी चीज बताता हूँ, मुझे दो चार पेन दे दो। चलो ये एन सी जीरो का मत तो एन सी जीरो का मतलब समझता है, लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसकी मतलब कॉम्बिनेशन होता है। इसकी मतलब कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन है? जैसे मेरे पास ये पांच पेन है, सबको दिख रहा है और अच्छे समझो। अब मैं बोलू कि पांच पेन में से मुझे मुझे जीरो कॉम्बिनेशन बनाना है, कितना कॉम्बिनेशन? एन सी जीरो का मतलब समझो, पांच पेन में से कितना कॉम्बिनेशन चाहिए? जीरो कॉम्बिनेशन। तो जीरो कॉम्बिनेशन कब बन पाए? जब मैं एक ही बुक एक ही पेन पर इस्तेमाल करूँ, कितनी बार जीरो कॉम्बिनेशन बन सकता है? एक ही बार पेन से जीरो की वैल्यू हुआ, यही आया था ना। अब एन सी वन का क्या मतलब है? इस पांच पेन को अलग अलग तरीकों से पांच पेन में वन वन का कॉम्बिनेशन चाहिए, कितनी बार एक ही का कॉम्बिनेशन बना पाओ? पांच बार। एक बार ये हो गया, अब इसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। एक कॉम्बिनेशन कंप्लीट, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड, फोर्थ, फाइव। तो अगर फाइव की जगह फाइव रखो तो फाइव सी वन की वैल्यू कितनी? फाइव। अगर मैं बोलू फाइव सी टू बताओ, मतलब दो दो पेन का कॉम्बिनेशन चाहिए और कितनी बार बना सकते हो? देखो मैं इस ब्लैक को अगर एक साथ रखूं तो ब्लैक का इस ब्लू से एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका कॉम्बिनेशन एक हो गया, काउंट करते जाओ, इससे दो, थ्री और फोर, चार कॉम्बिनेशन बन गए। अब कोई और अलग क्यों उठा, ये मैं उठाऊ। जब इस पेन का कॉम्बिनेशन बना दे तो दोनों कॉम्बिनेशन बन चुका है ना एक बार, हम दोबारा नहीं बनाएंगे, तो इसका इससे कॉम्बिनेशन पहले से ही, तो पहले कितने कॉम्बिनेशन बने थे? चार। अब ये इसके साथ में बनाओ, पांच कॉम्बिनेशन हो गए, इसका इसके साथ में छह, इसका इसके साथ में सात, कोई और ना, ये पेन इसका इससे कॉम्बिनेशन बन चुका था, ये वाला पेन लिया तो इससे भी कॉम्बिनेशन बन गया है, रीजनिंग है पूरी तरह से ना ये। अब इसका इससे कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आठ, इससे बना दिया नौ, तीन पेन ले चुके हो, लास्ट में इसको ले रहे। ध्यान से देखोगे तो इसका सबसे कॉम्बिनेशन बन चुका है सिवाय एक। अब और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, अलग अलग कलर्स के दो दो का पेयर पिक करोगे तो इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो 5C2 का मतलब है कितने अलग अलग तरीकों से तुम दो दो का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये इसका रीजनिंग समझ में आ गया, तो इसका मतलब क्या है? अब ऐसे पांच में तो ठीक है, मैं दस बना दूंगा तो मुझे जोड़ते ही बैठ होगी ना, कहीं एक गलती हो गई तो पूरा गलत हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये NC0, NC1, NC2, NC3 के लिए फार्मूला बना दिया था। जनरलाइज्ड फार्मूला क्या था? NCR। NCR क्या बोल रहा था, बोलो क्या था? इसी दो फॉर्मूले पर सब कुछ चल रहा था ना, NCR, n factorial upon r factorial bracket में n minus r। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो बिल्कुल भी, अगर नहीं समझ आए तो पूछ सकते हो, जितनी बार पूछोगे मैं बताऊंगा। और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू, वन फैक्टोरियल की वैल्यू, बाकी सारा तुम निकाल लेते हो, टू फैक्टोरियल टू इंटू वन, थ्री फैक्टोरियल थ्री इंटू टू इंटू वन, यही पढ़ते हैं ना आगे। जैसे कोई भी एक जनरल क्वेश्चन तुम लोग बोलो किसका चाहिए एक्सपांशन, ऐसे क्वेश्चन
अब इसका एक्सपांशन कैसे लिखेंगे? तो एन की जगह पे क्या आ रहा है? क्या बोलो दत्ता माँ की बच्चो इतना
यहां कम रहा है, याद रखोगे उतना अच्छा है। 2 फैक्टोरियल 5 माइनस, अब 5 माइनस 2 मतलब नीचे कितना आएगा 3। 3 फैक्टोरियल को ऊपर कैसे लिखे, 5 4 3 2 1 को 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। नीचे 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हो और ये 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 कितना आया
n cr n factorial upon r factorial n minus r factorial. इसमें n की जगह कौन है, r की जगह कौन है, तो n factorial मतलब 5 factorial, r factorial मतलब 0 factorial, n minus r का मतलब 5 minus 0 factorial. 5 minus 0 मतलब 5, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, 0 factorial की वैल्यू 1, बस 5 की 1, n की वैल्यू 5, तो n factorial upon r factorial भी r 1 हो गया, n minus r factorial मतलब 5 minus 1. 5 minus 1 कितना होता है, 5 minus 1, 5 minus 1 4 होता है. तो अभी देखो नीचे 4 है ऊपर 5 है, जब इसको expand करोगे तो क्या लिखते हैं, 5 factorial to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 बराबर. नीचे में क्या लिखते हैं, इस 4 की जगह, मतलब इसको ऐसा लिखते हैं ना, जैसे मैं यहाँ तुम्हें अगर बताऊँ तो 5c1 को हम लोग ऐसा लिखते हैं, 5 factorial 1 factorial 5 minus 1 factorial, ये आता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 1 factorial 1, 5 minus 1 मतलब 4, फिर लिखते हैं 4 into 3 into 2 into 1. तो ये ऐसे कैंसिल करते हैं ना, ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कैंसिल होता, लेकिन जगह ज्यादा ले रहा ना लिखने के लिए, जगह लेगा तो टाइम भी लेगा, तो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, 4 3 2 1 को 4 फैक्टोरियल बोलते हैं, तो मैंने इसकी जगह पे क्या रख दिया, 5 2 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल यहाँ से आ गया था, ये 4 फैक्टोरियल ने 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया, क्या बचा 5 अपॉन 1 मतलब 5, ऐसे दूसरा है ऐसे आगे भी है, समझा अभी. भाई कम से कम ऐसा लो कि तुम्हारा 2-3 बुक नोट्स बनाने के लिए 2-3 बुक में
इसलिए उनके 200 से कम मार्क्स आते 97 98 अपने टाइम पे पहुंच जाते बेचारे। इसलिए केमिस्ट्री से केमिस्ट्री को इग्नोर मत कर, स्टार्टिंग से इग्नोर कर दिया तो हमेशा वो इग्नोर ही होता रहेगा, फिर पढ़ोगे ये मन ही नहीं लगेगा, छोड़ना नहीं पढ़ना शुरू कर। एवरेज स्कोरिंग मैथ्स और फिजिक्स में सेम है, केमिस्ट्री में एवरेज स्कोर तुम अपना रैंक पुश कर पाओगे। सिमिलरली बायो में 300 प्लस सब ले आए जो सीनियर प्रिपरेशन कर रहे हैं, केमिस्ट्री को बायो आती बायो पढ़ाते हैं तो ठीक है कि कुछ चीजों पर रटने वाली होती है, जैसे नाव भी केमिस्ट्री में भी रटने वाली चीजें होती है, दोनों एरिया से यूज हो जाते हैं। अब फिजिक्स सॉल्व करने वाला होता है दो रटने के बीच में, सॉल्व करने को मैनेज नहीं करते छोड़ ही देते, छोड़ दिया तो वही तो स्कोर बढ़ाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे ऐसे बच्चे भी, मैं मेरे पास से मैं रिजल्ट दिखा दूंगा, बायो में 340 आया है, केमिस्ट्री में 160 आया है, कितना हो गया 500। अगर मैथ्स में हो सही फिजिक्स में उसको 100 भी आ गया होता एमबीबीएस करता ना 60 50 60 50 इसमें फिजिक्स में बुक हो जाते हैं जिसकी वजह से एमबीबीएस नहीं। फिजिक्स बहुत स्कोरिंग है, फिजिक्स ही रैंक बूस्ट करेगा भी आया था कहीं भी आया हो, लेकिन रैंक तो आया था ना, सब भी लग जाती हूँ। चलो आगे
इम्पोर्टेंट है, जितना आईआईटी का है आईआईटी में बहुत ज्यादा फर्क है, लगभग सारी कंपनी चाहते हैं टॉप के आईआईटी में, सारी कंपनी भेज दे आईआईटी में। पेपर का पैटर्न अगर जेई मेन से इजी ना होता तो मुश्किल है कि 90 और अराउंड 90 क्यों नहीं रहते। सर बट अगर उसको बोल देना कि वो आईआईटी के लेवल में है क्या सर, वेट साइंस के लेवल का सर करने को कोई भी कर सकता है, प्लीज मैं भी कर दूंगा। आईआईटी मटेरियल लेके आना ऐसा कुछ नहीं है, पर बहुत ही कुछ चीज है, पर बिट्स खराब नहीं है, बिट्स बहुत अच्छा है, बहुत अपने आप में अच्छा है। लेकिन जो एक तुम्हें अगर बाहर जाना है, यूएस जाना है, यूके जाना है, दुनिया में कहीं और जाना है, तो मगर आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी के बनाए हो तुम्हें सब जानते हो, ये पूरे दुनिया में फेमस है। तुम अपने रिज्यूमे में लिख दो कि मैंने आईआईटी से बीटेक किया है, मैंने आईआईटी से किया, उनको आईआईटी आईआईटी बताओ। तुम बिट्स से लिखोगे तो शायद उनको ना बताओ, सारा लिखोगे शायद उनको ना बताओ, ये फेमस है ना भाई, जेई मेन जितना फेमस है, जेई मेन से बाहर वाले भी कितने ईमेल पता है ना, जापान बांग्लादेश के भी आते हैं जेई पेपर देने, जेई तो फेमस है, वैल्यू बढ़ जाती है तुम्हारी बाकी कुछ। और मान लो कल को नहीं ये नहीं करने का मन हुआ, बायो रिपोर्ट इंजीनियर हो गए हमारी तरह, तो यहाँ से पढ़े रहोगे तो पीजी में भी तुम्हें आगे मौका मिलेगा, टीचर बन सकते हो, बिट्स वालों को कम मौका देते हैं जब ये खड़े होते हैं पढ़ाने ना, तो लोग उनकी बात आईआईटी पढ़ा रहे, बिट्स वाले आते खुद ही नहीं निकालते, इसलिए ऐसी जगह पहुंचो। और भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सारे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी तुम्हारा फोकस ये है ना, इसके लिए आए हो ना, तो यहाँ अगर तुम यहाँ इतना स्कोर कर दोगे तो तुम्हें क्या फायदा हो, ये सुनो, फायदा ये होगा कि जब तुम बोर्ड्स देने जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं होगा कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि तुम्हें एनआईटी की जैन के सेकेंड वीक में पेपर होगा, थर्ड वीक में रिजल्ट आ जाएगा, जब तू एडमिशन लेगा तब वो माने, अभी नहीं तो ये जैन अटेम्प्ट में इतना लाभ है, तो पूरा फोकस थर्ड वीक होगा, अगर तुम्हारा यहाँ तुमने इतना ही परसेंटेज लाया कि जस्ट तुम क्वालिफाई कर रहे हो जेईई मेंस, तो क्या होगा पता है, जब तुम यहाँ जाओगे ये अपना दिमाग हमेशा बोलता रहेगा एनआईटी में फिक्स नहीं है यार, एडवांस नहीं हुआ, तो तुम जब बोर्ड्स पढ़ रहे होगे ना, तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं पढ़ने के टाइम पे वो जेईई मेंस का भी प्लानिंग चल रही होगी, तो अप्रैल में फिर उसका पेपर है, तो तुम ना इधर अच्छा कर पाओगे ना इधर कर पाओगे, तो यहाँ पे अच्छा करने को सोचो, फिर मैं फुल्ली फोकस किस पे रहोगे आप, बोर्ड्स पे, मार्च में बोर्ड्स खत्म हो, अब जिनका यहाँ कम आया है वो अप्रैल के लिए जाएंगे मेंस पे फोकस करेंगे, और जिनका यहाँ इतना अच्छा आ गया और ज्यादा एनआईटी फिक्स है तो ये पेपर जरूर देंगे, क्योंकि बेस्ट ऑफ टू लेते हैं ना वो लोग, ये पेपर जरूर देंगे लेकिन इस पर फोकस नहीं करेंगे, वो यहाँ फोकस करेंगे, तो मार्च के बाद तुम्हें 60 डेज कम से कम मिल जाएगा एडवांस के लिए प्रिपेयर करने को, इनको कितना मिलेगा हार्डली 20 डेज, तो फर्क देख रहे हो किसका स्कोर एडवांस में भी पर होगा, कौन कौन आगे निकलेगा, तो परसेंट में अच्छा कर दिया, तो सब कुछ अभी तो ऐसे पढ़ो कि कल ही तुम्हारा एग्जाम, ऐसा मत पढ़ो कि मुझे 2 साल है आराम से पढ़े, जितना आज पढ़ना है उसके जो भी डाउट है अंदर क्लियर करो, बैकलॉग रखने की कोशिश मत करना, जितना ज्यादा बैकलॉग रखोगे किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट कब खत्म होगा, जब आज की चीज कल पर टाल दो, टालना बंद करो, जो आज वो आज खत्म करो, पढ़ के खत्म करो, ये नहीं कि आज हम लोग मिला अच्छा सा अगले हफ्ते में संडे बैठ के आज ही करके खत्म कर दो, रिविजन प्रॉपर करते रहो, जितना अच्छे से रिवाइज करोगे उतना ही
तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। मैं बहुत लोगों को देख चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बहुत मतलब बता रहा हूँ पहले कि तुम प्रॉपर हो, तुम जेई क्वालिफाई कर जाओगे, और तुम्हें तुम टॉपर नहीं हो तुमसे जेई नहीं होगा। मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाया हूँ जेई में टोटल टॉपर रहे और जेई नहीं हुआ, ऐसे बच्चे भी जानता हूँ मैं। 97% 10th रूम मेरा दो स्टूडेंट थे, फ्रेंड्स थे दोनों, एक का 97 था एक का 75। 97% वाला नहीं जा पाया IIT, और 27 दो 75% था सॉरी 75% वाला IIT खड़गपुर से बीटेक किया, अभी थर्ड ईयर में है, और दूसरा NIT में चला गया, जबकि उसका 97 था तो टॉपर होगा। तो कहीं ये लेवल पे मत पहुंच जाना, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ। मैं तो अभी बहुत मार्क्स आ गए मेरे, बहुत परसेंटेज 90+ वाले अपने दिमाग में लाए कि मैं बहुत ऊपर पहुंच गया, क्योंकि अभी तुम जहां हो। अब क्या चाहिए, अब चाहिए कंसिस्टेंसी। 10th का बुक इतना था, अब पढ़ रहे हो इतना, समझ रहे हो? तो तुम जिस लेवल से जहां से उठ के अभी आए, यहाँ चाहिए कंसिस्टेंसी। तुम डेली अगर मेहनत नहीं करोगे, लास्ट के 2 महीने पर डिपेंड नहीं हो सकते, डेली तुम्हें पढ़ना चाहिए कम से कम 2 घंटे घर पे, 3 घंटे शुरू कर, तुम कम कम चल रहे ना आराम से, तो आराम आराम से अपने आप को ऊपर बढ़ाते रहो। जितना अच्छा पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा होगा, ठीक है? पढ़ाई कर ले, अब कुछ नींद वालों के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं अभी, क्योंकि अभी शायद 2 अटेम्प्ट हो जाए, लेकिन अभी हुआ नहीं। नीट का पेपर एक ही अटेम्प्ट होता है, और वो मई में होता है, एडवांस के टाइम पे आसपास, जब मेन साल मई में होने वाला है, तो हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन ये नहीं बहुत टाइम है होता ना कल की तरह ही पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा तुम्हें तुम्हें तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, तुम्हें 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, इनको 3 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो बहुत ज्यादा दिमागदार हुआ। सब चलो पढ़ाई करो, अभी अब खत्म पढ़ाई शुरू करते हैं, बातें खत्म। जैसे मैं ये बोलता हूँ, ये क्वेश्चन 1+2² √10 तुम्हें ईबी में मिला था, ये क्वेश्चन। अब इसमें तुम्हें वो बोला है कि पहले 3 टर्म लिखना है, पूरे नहीं लिखना, फर्स्ट 5 टर्म पूछा था, हाँ तो फर्स्ट 3 टर्म लिखने, सबको आ गया था ये? कितने लोगों को आया था? आधा ऐसे क्यों उठा रहे, पूरा होगा आया था, जन्नत खो के बैठना अगले लेक्चर। 1 2 3 तीन लोग जन्नत वाले हैं, नहीं आपकी बात पावर 10 Q² पर पावर, पहला टर्म हो गया ये, सेकंड टर्म क्या आएगा 10C1 1 पावर 10 माइनस 1 Q² पर पावर 1, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म क्या लिखोगे? थ्री टर्म भी पूछा ना, तो 3 तो बन गए, बस यही में छोड़ देते हैं। 10C, अब 10C10 तक तो भागना, वो अप टू 3 टर्म पूछा है, तो 1 2 3 अब 10C0 क्या लिखोगे? 10 फैक्टोरियल, किसी का भी 0 है तो 1 होता है, कैसे वो 0 पिक करने की एक ही कंडीशन है, और पूरा पिक करने की भी एक ही कंडीशन है, 10 से 0 10 से 10 की वैल्यू 1। तो चलो फिर भी कर लेते हैं, ये 0 फैक्टोरियल 10 माइनस, ये 10 हो गया ना, अब 10 से 1 बोलो, 10 से 1 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 10 माइनस, फॉर्मूला सबको पता है ना, अपने दिमाग में रखो, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल माइनस r, तो ये देखो 10 माइनस 1 क्या होता है 9, तो मैं ऐसा लिखता हूं इसको 10 * 9 फैक्टोरियल,
1 फैक्टोरियल 1 into 9. सबको समझा ये समझ आ रहा है अभी? ऐसे बिल्कुल बिंदास बिना टेंशन के पूछ लिया करो, जितनी बार मैं उससे पूछोगे मुझे उतना अच्छा लगता है, और जब मैं पूछूंगा तो तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है? दोनों काम करें, जब मैं पूछूंगा तो तुम बताओ, तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा. 10C2 ये तो लास्ट है ना. अब ये क्या 10 into 9 into 8 2 factorial 2 into 1 into और ये 8 factorial, ये कैंसिल हो गया. 2 5 5 9 10 0 1. अच्छा 1 पर कुछ भी पावर रखो, किसी भी नंबर पर अगर इवन पावर रखोगे सेम टाइम के साथ वही नंबर आता है, और पावर रखती है तो पावर जीरो भूल दिया था ना, ए पावर एम इंटू एम, एम इंटू एम करते, टू इंटू जीरो मतलब जीरो, मतलब टू पावर जीरो 1 power 9 1, और ये q square, फिर 45, 1 q power, खत्म. 1 plus 10 q square plus 45 q square. हम जब standard form लिखते हैं तो सबसे बड़ा power पहले आती है ना? नहीं जरूरी नहीं, क्योंकि associative property के लोग follow करते होते हैं ना, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, लेकिन लिखने का तरीका होता है हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जिसने हम पहले वाले को पहले लिखते हैं, जिसका लिस्ट को लिखना होगा तो क्यू रेज टू 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे भी लिखोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि आंसर तो मैं ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, आंसर मैच करेगा. अगर वो सब्जेक्टिव है तब भी दोनों आंसर सही होगा, ठीक है? और कोई जवाब दो, एक और मजे लेते हैं गाइस. देखो तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ो एकदम आएगा, हम आराम से पढ़ेंगे. बहुत जो ऐसा नहीं तुम्हें कंटेंट कम मिलेगा, लेकिन कंटेंट जो आप होगा मैं जा उसमें इतनी प्रैक्टिस ना होगा तो मतलब घर पे उसको रिवाइज कर लोगे ना, तुम्हें अच्छा लगेगा. जितने क्वेश्चन करते हो घर पे वो क्वेश्चन को आप बंद करके पहले बुक रख दो, आप बंद मतलब ऐसा नहीं आप बुक से क्वेश्चन देखो, बुक को अलग रखो, खुद सॉल्व करो, बस जाओ तो बुक में देखो तब भी नहीं आ रहा है तो अंडरलाइन कर लो, अपने लेक्चर में पूछ सकते हो. मैं यहाँ रहूंगा, हो सकता है तुम्हारा लेक्चर नहीं हो तब भी मैं यहाँ, क्योंकि मेरे और भी लेक्चर रहते हैं ना, ट्वेल्थ में है, टॉपर्स पे है, मार्क्स पे है, तो लेक्चर ही लेक्चर है. मैं यहाँ 2-3 दिन तो मिल ही जाता हूँ ऐसे ही गलती भटकते हुए, हाँ तो मैं यहाँ मिलूंगा, मुझसे पूछ सकते हो, कभी भी मिलो कभी भी पूछ सकते हो, और मेरा नंबर है तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो. हाँ वही नाम सेव कर दूंगा तो पूछोगे तो याद आएगा, तो इससे अनकॉल नंबर जाएगा तो रिस्पॉन्ड नहीं करता, बहुत मैसेज पड़ेगा उसी
कट जाएगा अलग अलग इसको ऐसे समझ लो जैसे वहां जहां एक्स लिखते थे कि ऐसा हो जाएगा वन प्लस माइनस ऑफ थ्री एक्स। हाँ बाकी तुम लोग प्लस इंटू माइनस को माइनस फाइव सी जीरो वन रेस टू फाइव माइनस थ्री एक्स रेस टू फाइव जहां एक्स लिखते थे वहां माइनस थ्री एक्स आएगा बीच में प्लस जीरो बस लड़कियों को भी मारता हूँ अपने सीनियर से पूछो सबको मारता कोई पास सबको तुम्हें तुम लोग कहते हो कि हमें चाहिए इक्वालिटी तो इक्वालिटी दो अच्छा जहाँ तुम्हारा फायदा हो वहाँ तुम्हें इक्वालिटी चाहिए जहाँ नहीं फायदा वहाँ नहीं अजीब हो इक्वालिटी मांग मांग के तो मिल गया ना अगर आईआईटी में भी रिजर्वेशन तो अच्छी बात है गर्ल्स कोटा है और पढ़ लो तो गर्ल्स के लिए ज्यादा चांस होते हैं तो तुम्हें अपनी इंसल्ट फील होगी जब तुम पढ़ोगी वहां आईआईटी में पहुंचे तो आईआईटी में पहुंच के भी सब ऐसे मिलेंगे तो उसे पूछते क्या भाई तुमने दो में क्या किया हाँ मेरा भी लड़की से नहीं बोलेगा ना लड़की कुप्पा सब कोई रोका हाँ मुझे बच्चों जो लोग ऑनलाइन हो वो भी थोड़ा इसको सॉल्व करके बताओ मुझे आ गया कि नहीं आया थोड़ा सा ऐसे कुछ इमोजी भेज दो दिखना पड़ूंगा नहीं अच्छा कर रहे हो करो सो करो Thank you.
समझ गया भावना, समझ गया किधर है भावना। अभी नहीं कर रहा है, कितना है नीचे? हाँ मैं देख रहा हूँ। ऐसा कौन सा फाइव होता है कि कोई बोलते फाइव है? आ गया, देखो चलो सबको ये कहना है 1-15x प्लस कितने लोगों को ये आंसर आया? हाँ कर लो, कर लो, करते रहे। नहीं आएगा मैं फिर करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जब कोई चीज नई चीजों में तो कम होता है, तो फिर मूल में से तो वाले को बहुत लगती है, आपको तो वाले को कम लगती है, पर लोगों को कम नहीं है। आगे क्या था ना, वजह से निकाले दो आ गया ना, बताता हूँ।
समझते तो लोग बहुत तेज लिखते नहीं ऐसे लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जिनको नहीं आया वो देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है प्रैक्टिस करने के लिए, घर पे यही क्वेश्चन दोबारा कर, ठीक है। और नहीं आया तो अलग से भी रुक के पूछ सकते हो, 2 घंटे के बाद जो रुकना चाहे रुक के पूछ सकते हैं। मैं रुकूंगा, हाँ 1:30 के बाद मैं इधर ही रुकूंगा, 2:30 तक चले। तो 5C0 1 raise to 5, अब यहाँ x की जगह कौन आ रहा है, -3, तो -3x raise to 0, ठीक है ना। फिर दूसरा टर्म बोलो, 5C, जिनको नहीं आया वो बोलने की कोशिश करें, और कहाँ गलती हुई है वो पकड़ी, 5 minus 1 -3x raise to 1, 5 c 4 1 raise to 5 minus 3 5 c 4 1 raise to 5 minus 4 minus 3x to the power 4 plus 5 c 5 1 raise to 5 minus 5 minus 3x raise to 5। अब मैंने कौन है बातें की यार, तो हम बंद करें, अब वो बिल्कुल चुप है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना पड़ेगा। 5 c 0 क्या होगा, अब्दुल कलाम ने बोला ना इम्पॉसिबल एक्सेप्ट कर आया पॉसिबल। अच्छा आप बात करने से बात करेंगे, नहीं ये नहीं चलेगा, बात निकाल के 5 c 0 1 raise to 5 की वैल्यू, ये 5 c 0 5 c 1 5 c 2 5 c 3 5 c 4 5 c 5 हम कर चुके हैं पहले ना, तो इसीलिए हम सीधा वैल्यू लिख रहे हैं 5 c 0 है, लेकिन मैं नहीं बता यही बात हूँ ना, अभी नहीं चाहिए बेटा अभी तुम्हें इसी बताऊंगा, ये मैंने कराने का केवल एक पर्पस है कि कुछ जो वैल्यूज होती जो हमें निकालना होता है उसको हम फटाफट से निकाल पाए। बायोमेट्रिक तुम्हें काम का नहीं, इसका एक पार्ट ही काम का है, वो पार्ट बताता तो लोग चिल्लाते ये कैसे आया, इसलिए मैंने ये बड़ा वाला कर दिया। बाकी बायोमेट तुम्हें ये डीप वालों के लिए हमें जिस चैप्टर में चाहिए भी इसका अप्रोक्सीमेशन चाहिए, बस अप्रोक्सीमेट करने के काम आएगा फिजिक्स का। और मैथ्स वाले पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और ये बायनोमियल थ्योरम यही है, ये पूरा तीन चैप्टर है, कम से कम 15 एक्सरसाइज, 2000 क्वेश्चन करोगे इसके ऊपर। अच्छा एक बुक में बहुत क्वेश्चन होते, 3 चैप्टर करने जाओगे एक एक चैप्टर में 400 क्वेश्चन से कम नहीं होगा, और क्लास नोट्स में भी तो क्वेश्चन करोगे, बड़े चैप्टर है ना ये, ये सब ये लॉजिकल एप्टीट्यूड डेवलप करने वाले टॉपिक्स है। -3x^0 किसी भी नंबर पे 0 का होने वाला तो 1, मस्ती खोर बहुत हो रही है, पढ़ाई छोड़ के सब काम कर रहे हैं। 1 raise to 4 बात बिल्कुल साथ में बिल्कुल आवाज ले लीजिए, आधे घंटे बिल्कुल साथ में बैठ, फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 11:30, फिर थोड़ी देर बात करेंगे फिर पढ़ेंगे, एकदम शांत बैठना, जिसको नहीं आ रहा है उसको समझ -3x^1 पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस प्लस, फिर नंबर्स को करेंगे 3 और 3 9,
यहाँ एक्स पर पावर वन है, यहाँ एक्स पर पावर वन है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है, 9x2। 5c3 फिर से 10, ये 1 माइनस थ्री एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, 3 3 9 9 3 26, और एक्स पर पावर वन 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 जब जुड़ जाएगा तो एक्स क्यूब, समझा? जिनको नहीं आ रहा था उनको समझ आया अभी। फिर ये वैल्यू 5 1, अब जब माइनस 3x पावर 4 करोगे, देखो ऑड पावर था तो ये माइनस में आया, इवन पावर आएगा तो अपने आप प्लस, इतना नंबर नहीं करना है। फिर 3 पावर 4 कितना होता है, 1 ही 1, और x पावर 4 साथ में लिखो, मतलब ये 1 ही 1 x4, और लास्ट में 1 इंटू 1। अब फिर से ऑड पावर में माइनस में आएगा, 3 पावर 5 2 43 x^5, खत्म हो गया। 1 प्लस इनटू माइनस, -15x + 90x² - 270x³ + 405x^4 -243x^5। सॉल्व कर लोगे ना, कहाँ गलती हुई थी, किनको नहीं आया था, यही सारी गलती सोने दो, रजिस्टर नहीं करे सो जाए चले हो गया, साइन में गलती हुई थी बस ना, कहाँ गलती होगी, देखो आगे ये हो गया, अभी ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, ऐसे कराना होगा मेरे पास, तो मैं दोनों क्वेश्चन करते रहेंगे, कुछ भी नहीं है, यही है फाइनल सर, बोलते हैं हम लोग बोल और ये देखो फिजिक्स के लिए इसको मैं स्टार्ट पॉइंट बना रहा हूँ, इसी को बताने के लिए मैंने ये ऊपर सारा काम किया, यही इतना हमें चाहिए। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या है, ये अप्रोक्सीमेशन, अब देखो ये जो तुम लिख रहे थे 1 प्लस x^n, ठीक है ना, यहाँ माइनस भी आ रहा था अभी, तो इसका जनरल एक्सपांशन क्या लिखते थे, nc0 1 रेस टू n x रेस टू 0 nc1 nc2 nc3, ऐसे बढ़ रहे थे ना पूरा, जैसे अब देखो ये लिख रहे थे, मैं एक बार लिख देता हूँ, कोई काम करने तुम्हें रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट के पहले जानते रहो आया कहाँ से, ये 1 रेस टू n-1 ये लिख रहे थे ना, कौन बोल रहा है, अच्छा ऐसा तुम लोग बात रखे क्या, इधर डी इधर डी ऐसे कहां तक जा रहे थे हम लोग, हाँ जीरो, ये था हमारा जनरल अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं इसी अप्रोक्सीमेशन में ये पढ़ाया था पहले, मैं ये मैथमेटिकल रूल्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ, नाइन्थ में मैंने पढ़ाया था, ऊपर वाला याद है ना, हाँ तो ये भी कराया था मैंने, इसको नाइन्थ में कराया था, हाँ पढ़ा था हमसे, पढ़ते पढ़ते पे ही आ रहा था, सब पढ़ा रहा था। चलो ये पूरा होगा ना जनरल, अब यहाँ मैं लिखूं इफ एक्स दिस दिस, डबल लेस देन का मतलब क्या है, इफ एक्स इज वेरी लेस देन 1, इसका क्या मतलब है, ये जो सेकंड टर्म है ध्यान से सुनो, भी बिल्कुल नया टॉपिक है,
एक्स जो है ये सेकंड टर्म जो है वो पहले टर्म से बहुत छोटा है। कितना बहुत छोटे का मतलब कितना? मिनिमम 100 times, मिनिमम 100 times, 0.00। जैसे बहुत छोटा कैसे हो गया, ध्यान से सुनो। किसी के पास 1 रुपया है और दूसरे के पास 100 रुपये। अब ये जिस दुकान पे कुछ चीज खरीदने खड़ा हुआ, ये नहीं खरीदता है गरीब है उसके साथ, इसके औकात नहीं है ना, इसके औकात की बाहर वाली बात होगी। सही बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि 1 रुपया जो है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक के पास 100 हो दूसरे के पास 50 हो, आधी चीज तो खरीद ही पाएगा ना वो। आधा 200 की चीजें जो 50 को खरीदेगा, उससे थोड़ा सा कम भी खरीदेगा, लेकिन खरीद तो सकता है, एक बार तो खरीद ही नहीं पाएगा, दिक्कत नहीं। तो ये औकात जिसकी बिल्कुल नहीं है उसको नेगलेक्ट कर दे। यहाँ भी कह रहा है कि x बहुत छोटा है 1 से। अगर x बहुत छोटा होता है 1 से, देखो ध्यान से। अच्छा मैं ये बोलूं कि 0.4 मान लो x की वैल्यू है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एक नेगेटिव सॉल्यूशन दे दूंगा, फील कर रहा हूँ कि है क्या। अगर मैं x स्क्वायर बोलूं तो ये क्या आएगा, 0.01। मैं बोलूं x क्यूब, x पावर 4। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू पहले से छोटी है, x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 4 जैसे लिखते जा रहे हो, वैल्यू और छोटी 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 होती जा रही है, और छोटी हो रही है ना। अभी मैंने ये कितना लिया है, x को 0.1 लिया है, मतलब अगर 1 से मैं कंपेयर करूं तो x इज 10 टाइम्स लेस देन 1, x इज ओनली 10 टाइम्स लेस देन 1, x स्क्वायर 100 टाइम्स, x पावर 4 1000 टाइम्स, जैसे बढ़ रहा है। अगर मैं बोलूं कि x जो है वो 100 टाइम्स छोटा है 1 से, तो ये 10000 टाइम्स हो जाएगा। बहुत 10000 टाइम्स छोटे का मतलब तो कोई औकात नहीं है, बिल्कुल भी औकात खत्म। तो जब ये कंडीशन लग जाए, ये वाली कंडीशन लग जाती है ना, तो जो हायर पावर्स है ये राजे सारे टर्म के अंदर, ये सारे नेग्लिजिबल है, इनकी औकात नहीं है, ठीक है, औकात के बाहर है। इतने लोगों को हटा दो, इसलिए क्योंकि वो x के हायर पावर से मल्टीप्लाई हो, जब हायर ऑर्डर से मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी वैल्यू ऑलरेडी छोटी होती है, इसलिए वो उनको नेग्लेक्ट कर। तो यही 2 पॉइंट लिखने वाले। अब ये 2 पॉइंट अगर बार बार ऐसे लिखा जाए ना, तो याद रखने में तब भी दिक्कत हो कि एन सी जीरो कितनी बार याद है। एन सी जीरो मैंने क्या बताया, किसी का भी कॉम्बिनेशन जीरो होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। देयरफॉर 1 प्लस माइनस x रेस टू 1 को मैं ऐसा लिखूं कि ये वाली वैल्यू 1, 1 रेस टू n, किसी भी 1 पर कितना भी पावर लगाओ वाली होगा ना, और x रेस टू 0। अब n c 1 कितना होगा, ध्यान से देखो। अभी कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल बोलो अपॉन 1 फैक्टोरियल विद n माइनस 1, जैसे मैंने 5 × 4 फैक्टोरियल, क्या मैं n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n × n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या बचा n, तो यहाँ पे n और 1 रेस टू कुछ भी पावर लिखोगे 1, x पर पावर 1 x। यही हम काम में, मतलब क्या है आप वो क्या x छोटा नहीं हो सकता, अगर तू कितनी हाइट कितनी है, 5 या 6 तुम्हारी हाइट ले लो और एक जीपी ले लो,
चींटी देखो, चींटी की हाइट और तुम्हारी हाइट कोई कंपेयर कर सकते हो क्या? बोलते हो चींटी की बिल्कुल हाइट नहीं है, यही बोलोगे ना? अरे लेकिन तेरे कंपेरिजन में बिल्कुल हाइट नहीं है ना, क्यों? तो बोलेंगे चींटी की हाइट इज वेरी लेस देन योर। तो यही यहाँ पे चींटी की जगह पे एक्स है और तू वन है, तो चींटी की हाइट बहुत छोटी है। कितनी छोटी? मिनिमम 100 है, तब ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर पाओ, समझा? और अगर एक वैल्यू दूसरे से मिनिमम 100 टाइम छोटी है तो सीधा सीधा 1 ± nx यूज कर, समझा? अभी छोड़ दे वैल्यू, ये याद करना, वो तो खाली फील दिलाना। मैं उसको गलती से बता दिया था। मैं तो ये था कि डिटेल में जिसको समझना है उसके लिए कि जब x बहुत छोटा है तो अभी तो दिखाया x स्क्वायर x क्यूब x पावर 4 छोटा होता जाएगा, x छोटा तो छोटे हो जाएंगे ना, जब ये छोटा हो गया x स्क्वायर तो ये पूरी वैल्यू छोटी कर देगा और ये जाके और छोटी करेगा, जो हायर पावर्स थे उन हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं इस केस में, तो ये पूरा खत्म। जब ये खत्म हो गया तो कौन कौन बचा? एनसी जीरो एनसी वन, फर्स्ट टू टर्म्स एनसी जीरो वन होता है, वन पर कुछ भी पावर रखो ये वन आएगा, एक्स रेस टू जीरो वन, एनसी वन एन होता है, वन पर कुछ भी पावर रखो वन, एक्स पर ए सिंगल पावर है एक्स। तो जब भी पहला छोटा होगा इसको सॉल्व करो तो आएगा वन प्लस एन एक्स, और अगर एक्स की वैल्यू माइनस में है जैसे माइनस थ्री एक्स का तो यहाँ माइनस आएगा, तो प्लस या माइनस है ये याद रखो, बाकी कुछ नहीं। बाय द वे अप्रोक्सीमेशन में याद रखना क्या क्या याद रखना है, कि हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देना होता है, क्या करना होता है? हायर पावर को नेग्लेक्ट, और अप्रोक्सीमेशन कहता है कि 1 प्लस माइनस nx सॉरी 1 प्लस माइनस x टू रेस n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस nx, यही याद रखना है, डब्बे में लिखा है, ये सब किसी काम का नहीं, खाली फील के लिए ये वाला क्यों लिखा था मैंने, क्योंकि मुझे ये चाहिए। अब ये जो थोड़ा सा दिमाग में लगाएंगे उनको समझ में आएगा कि फील के साथ समझ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। अगर मैं ये लिखता तो कल भूल जाता, इसलिए मैंने ऊपर वाली चीजें कराई तुम्हें प्रैक्टिस। मैंने यहाँ कंडीशन लिखा है ना, कंडीशन नहीं दिया होगा तो हम कंडीशन बना तो सकते हैं ना, नहीं छोटा टू होगा तो उसको टू से डिवाइड करके वन बनाना, जैसे मैं ये पूछता हूँ,
find the value of root over 90. Root over 99. देखो, दोनों पावर को मल्टीप्लाई 2 2 मर गए
अब यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन होती तो जो वैल्यू छोटी हो रही है उसके साथ में पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 × 1/100 समझा मेरे भाई। ये देखो 1 + -x था x^2 है, तो अगर x बहुत छोटा है 1 से तो 1 + n × x कर देते हैं। यहाँ है x किसको ले जाओ 1/100 छोटा है वही x है, छोटा कौन है 1/100 जो तुम्हारा पावर लगा है उसको किससे मल्टीप्लाई करते छोटी वैल्यू के साथ, समझा अभी। जब तो लिखता रहेगा मैं पढ़ाता रहूंगा, मैं देख रहा हूँ कब से एटीट्यूड चेंज कर पढ़ाई का, समझ ले। और अभी मैं तुमने लेक्चर में बोल डालता नहीं हूँ लेकिन मैं तेरे बता रहा हूँ फॉर्म कर रहा हूँ ये समझ जा, मस्ती मत कर क्लास में, मैं भगाता हूँ बहुत तेज क्लास, और पेरेंट्स के साथ पीटीएम करने में बहुत फेमस हूँ। एक बार ऐसा पीटीएम करना उसको पेरेंट्स खुद ही मुझे फोन करते या रिक्वेस्ट करते मेरा ही पीटीएम, और मैं सामने ऐसा नहीं होता हाँ बहुत अच्छा करता है पढ़ जाएगा मुझे नहीं, मैं सीधा बोलता हूँ ये नहीं कर पा रहा है पढ़ ही नहीं रहा है क्यों भेज दिया, मैं भगा दूंगा मैं इसको, मार जो भी करते हो सब बताता हूँ सब। एक है हमारे पास आसिक भी, उसकी सारी आसिक निकालता हूँ मेरे सामने ऐसा रो देता है, इसलिए केवल पढ़ाई करो मस्ती कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसा हो रखा है कि बहुत टाइम पढ़ा मैं हंसा लेता हूँ हंस के पढ़ रहे हो ना, लेकिन एटीट्यूड चेंज नहीं कराओगे तो क्या होगा कि कहीं कहीं पे हमारा पूरा फ्लो टूट जाएगा, सब साथ में पढ़ रहे हो तो टाइम दूंगा लिखने के लिए सबको, जितना टाइम मांगोगे 2 घंटे मांगोगे एक ही टॉपिक मैं बैठ जाऊंगा एक दिन में एक ही चीज पढ़ा, लेकिन पढ़ो 99 × 1/2 इसमें लिखना है ऐसे लिखो। अरे भाई इसमें क्या है ये छोटा है कि नहीं, वन से है ना पूछ रहा था मैं तभी डांट दिया, मैं बुरा मत मानना मैं डांट दी, मैं तुम्हें डांटा हूँ रोड पे कोई चलता हुआ बड़ी पूछूंगा जरा तुम्हारा मोटर बना ऐसा कोई करेगा तुमको अपना समझ के डांटता हूँ, तुम बोलेगा नहीं मैं तुम्हारा अभी तो मैं नहीं डांटूंगा तो तुम बाद में जाओ, तो हमसे पढ़ रहे हो तुम विजन दे पाओगे तो मैं डांटता हूँ, मैं रोड पे कोई नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ वाला दिखे रहा हूँ तो यहाँ भी 1/100 छोटा है तो पावर को 1/100 में मल्टीप्लाई, ठीक है अभी समझ गया। 1 - 1/200 अगर तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी तो 9 थोड़ी दिखोगे यार, और मैं गाने के लिए लिख रहा हूँ तुम डायरेक्टली 10^2 नहीं लिखोगे सर 10 लिखोगे, इतना बुद्धि काम कर गए। हाँ ये तुझे अपना ऑब्जेक्टिव बताया ना, तुझे आंसर मतलब अब 10 1 - 1/200 क्या लिख सकते हो, पॉइंट लगाओगे तो ये 10 बन जाएगा, जीरो लिखोगे ये 100 बन जाएगा, एक और जीरो लिखा है 1000 बन, अब 200 फाइव या 1 10 into अब जब 1.000 में से 005 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.995 Yes. अरे उसके बाद कुछ किया ही नहीं मेरी माँ, 1/200 को कैसे सॉल्व करेगी, 1/200 तो सॉल्व करेगी ना कैसे, ऐसे ऐसे पॉइंट लगाओगे सुन फिर पॉइंट लगाया एक और सुन फिर पॉइंट लगाया एक और सुन 200 फाइव जा वन सॉल्व, ठीक है मैंने वो डिवीजन है ठीक है समझा ना, अभी सबको समझा पास आउट करने का है कि नहीं, कम डिवीजन से बच गए कि नहीं बच गए, अब
मैंने तुम्हें समझाने के लिए इतना स्टेप दिया है, जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना यूज टू हो जाओगे कि नोट 99 कहीं पूछेगा प्रायोरिटी तुम्हारे दिमाग ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, ये लिखोगे ये लिख के ये लाइन लिखोगे सीधा, या तुम ये लाइन लिख के सीधा ये लाइन भी लिख 10 सेकंड के अंदर हड्डी ऐसा आ जाएगा प्रैक्टिस से, जितनी प्रैक्टिस करो। मैं और प्रैक्टिस करा देता हूँ अभी। हाँ लिख, अप्रोक्सीमेशन से लिखना शुरू करो पूरा लिख। उनको इतना सोचने में मजबूर कर देता हूँ ना कि मतलब कई बार तो एक ही क्वेश्चन 3 घंटे हो जाता है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है उससे मिलते जुलते सब कंडीशन और सॉल्व करने की टेक्निक देते जाओ, पर ऐसे प्रॉब्लम तभी रिजल्ट। अभी तुम्हें भी ऐसे मेरा लेक्चर तुम्हें टफ लग सकता है, मैं तुम्हें पहले डिस्क्लेमर दिया था कि तुम क्या चाहते हो, आसान आसान पढ़ाओ तुम अच्छे समझ में आ जाए पहली बार में, 2 साल के बाद मुझे गाली दो पढ़ाया ही नहीं कुछ, या अभी तुम्हें ऐसा पढ़ा दो कि अभी गाली दो डांट के पढ़ाओ, बाद में फिर अभी तुम सोचो हाँ अच्छा पढ़ाया था फालतू गाली दे रहे थे, अच्छा अच्छा आदमी बाद में बताओ, मैं बाद में बताना चाहता हूँ, मैं भी विलेन बन के पढ़ा देता हूँ, पहले बाद वाले फायदे ज्यादा अच्छा होता है। मिल गया ना वो आंसर गलत दिया है तुम्हें, वो इसका तुम्हारे पीपीटी 1 में एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 उसका आंसर उसने रॉन्ग दिया हुआ, ठीक है तो उसको थोड़ा सा देख लो जरा, वो डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको सॉल्व करो। करो इसको नोट कर लो, तब पीपीपी वन क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, क्या देख रहा है पीछे 1003 raised to 1/3 यही तो है डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 9, वेरी गुड। लाइन में ऐसे जरिए पड़े रहो, एक एक बार ऐसे जाओ तू बैठ जा तू भी जाएगा मैंने कहा क्लिप लेने के लिए थोड़ा बहुत चलता है। टेंथ भी कर लो वन था पास निकाल के बैठ अभी तो लोग मास्क निकाल के बैठोगे ना तुम्हारा चेहरा देख के मुझे समझ में आएगा तुम्हें समझा कि नहीं समझा, जब हंसने वाली शक्ल होगी समझ में आएगी, जब रोने वाली शक्ल में और नहीं है, जब एकदम से रोने वाला एकदम से नहीं है वो समझ आता है। तो बहुत छोटा है
फिजिक्स के क्वेश्चन। कितने लोगों को आ गया? नाइन्थ में जो आंसर है ना, आंसर आना चाहिए 10.01। नाइन्थ का आंसर होगा 10.01, लेकिन आपको फाइव डेसिमल प्लेस पूछा है, तो एक दो तीन और लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, समझा? और टेंथ के आंसर में भी उसमें थोड़ी सी मतलब टाइपिंग एरर है, वो 291 जी होगा, वो नीचे की तरफ लिखा हुआ है, नीचे वन देखो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा ओके, अच्छा अभी छाप रहे थे क्या? चलो डीपीपी वन खत्म हो गया है, अभी ऐसे क्वेश्चन कर लोगे नहीं उसको दोनों
आपने कोई अच्छा नहीं दिया है। 1003 टू द पावर 1/3 है, जरूरी नहीं इसमें माइनस पे ही गया। 1003 कब मिलेगा? हेलो सर, इसको ऐसा लिखेंगे, मैं 1004 लिखना, क्योंकि हम जब ब्रेक जब तोड़ते हैं उसको ना, तोड़ने के टाइम भी ध्यान रखते हैं जो परफेक्ट क्यूब बन जाए या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तभी तो आसान होगा वो। 1004 लिखोगे तो आसान ही नहीं होगा, समझा ना? अब वो ऐसा ऐसा नहीं किसी को भी तोड़ के बैठेंगे, तोड़ने के लिए भी रूल है ना, किसको तोड़ना है। जब भी तोड़ेंगे तो 100 में तोड़ेंगे स्क्वायर को, 10,000 में तोड़ेंगे स्क्वायर को, परफेक्ट स्क्वायर निकल के आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला तो गलती हो जाएगी कहीं कहीं पे। आप ऐसे लिख सकते हैं, अब हमें इसको कॉमन बनाना है, क्या करूं मैं? 1000 को कॉमन लो, 1000 को पावर 1/3 यही कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा बचना है? 1000 अपॉन 1000 ये वन हो गया, और इसको क्या लिखोगे? 10 1 प्लस 3 अपॉन 1000 1/3 सिंस 3 अपॉन 1000 इज वेरी लेस देन 1 अगेन 1 प्लस 1 अपॉन 3 हां तो ये 10 क्योंकि ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1/3 इंटू 3 अपॉन 1000 3 कैंसिल हो गया, तो अभी ये क्या 10 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1000 का मतलब क्या है? 0.001 तो 10 इंटू 1.001 या फिर ये हो जाएगा 10.01। अब अप टू 5 डेसिमल प्लेस कुछ है उसमें, तो अगर मैं इसके आगे 0 डालूं कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। माइनस नहीं करना है हमेशा, वो माइनस और प्लस तुम्हें दिमाग लगा के सोचना है, प्लस से आंसर आएगा माइनस से आएगा। अब देखो टेंथ कर रहा हो गया, जिनको नहीं है उनको बता दो। टेंथ देखो, अरे टेंथ तुम्हें ट्राई कर रहे हो क्या? अरे मैं चलो कुछ लोग ये वाले क्वेश्चन करते हो, इसका मतलब वही है पावर 1/3 इसकी वजह से। सर मतलब ये रूट के उधर सो भी अगर नंबर होगा वो उसका पावर 1/3 या 1/n ऐसा होगा ना? हाँ हाँ आसान ही है ना, पहली बार प्रॉब्लम इसलिए वो नया लग रहा है। 9.99 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
एक और फ्रेंड भी है अपनी गर्ल्स में, उसको भी बुलाता हूँ, वो भी ऐसे ही इतनी पिटाई होती है ना, एकदम शांत बैठता है, एकदम आगे बैठता है, वो स्ट्रेट ऐसे दिखता रहेगा, और जरा भी ऐसे मुंह किया तो एक पड़ जाती है, तीन घंटे लेक्चर में ऐसे ही बैठा है, बिल्कुल ऐसे घूमता नहीं, और पहला सवाल वही बता नहीं बताएगा तो पिटाई जरा भी नाम क्योंकि मुझे पता है परफेक्ट क्यूब रूट 1000 का पता है, अब 1000 का परफेक्ट क्यूब रूट पता है, 1000 से कितने 1000 में से क्या जोड़ना है या 1000 में क्या बताना है कि 997 बिल्कुल वैसा ही बन गया ये, समझा ना? तो ऐसा कर सकते हैं नियरेस्ट, मतलब कोई भी टाइम का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब डिपेंड्स अपॉन द फ्रैक्शन की कौन सा फ्रैक्शन पावर पे, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब ले लो, तो नियरेस्ट स्क्वायर नियरेस्ट क्यूब ले लो, उसमें से इस मतलब ये नंबर लगाने के लिए उसमें से कितना जोड़ना है घटाना है वो बता, समझा? अब टेंथ क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे, मैंने तुम्हें पहले क्या ग्रेविटेशन के उसमें यूज है कि वो पढ़े होगे 9th 10th में, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू एल्टीट्यूड ड्यू टू लैटिट्यूड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वो ऊपर जाने पे ठीक होता है, तो ऊपर जाने पे ठीक होने जो कम होती है ना उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 - 2h/r की फार्मूला खुद ही पायलट एप्रोक्सीमेशन से प्रूव होता है, ये जो फार्मूला लेके आते हो ये खुद ही पायलट एप्रोक्सीमेशन से आ रहा है, वही फार्मूला जब कोई भी आगे जाके 1 - b/r उसमें भी एप्रोक्सीमेशन लगा, फंसना नहीं है इसमें, परेशान मत तुम लोग, किसी को नहीं खाई टेंथ नाइन्थ में खाई नहीं है, जलेबी इतनी सीधी होती है, उतनी सीधी ये भी है, और सब परेशान करते हैं, जी डैश की वैल्यू क्या है, जी 1 - 2/291 टू द पावर हाफ, यही बोला है ना, पहले इसको सिंपलीफाई करो, अब देखो इसमें तुम लोग फिर से अपॉन वन नहीं बनाना, ये पहले से वन किया हुआ है ना, और देखो 2/291 100 टाइम्स तो छोटा ही है ना, 2/291 करोगे तो 150 टाइम्स के आसपास आएगा, 148 टाइम्स, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, यहाँ लिख 2/291 is very much less than 1. Therefore, g dash is equal to g. 1 minus power is equal to 2. 2 ने 2 को मार दिया. तो ये कैसे लिखोगे? g dash is equal to g. 1 - 1/291. या g dash is equal to g. इसको इधर ले जाओगे 2 - 1 - 1/291. कोई है जिसको नहीं आया, मुझे आया
delta t is very less than t naught. If delta t is very less than t naught, then the delta t upon t naught will always be less than 1. डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है तो डेल्टा टी अपॉन टी नॉट वन से बहुत छोटा हो जाएगा. अगर बहुत छोटा हो गया तो वी कैन यूज अप्रोक्सीमेशन. अप्रोक्सीमेशन क्या कहते हैं, छोटी वैल्यू के साथ में पावर को ऐड कर दो. तो पावर कितना था 4, डेल्टा टी अपॉन टी नॉट के पहले 4 लिख दिया तो ये हो गया 1 + 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट माइनस 1. तो 1 और माइनस 1 तो 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट और बाहर ए भी लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय, समझा? जरा डरने वाली बात नहीं है. इट वॉज जस्ट सिंपल मैथ. बायनोमियल थ्योरम नया था, प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से अपने आप ही आगे आने लगेगा. ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है. कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. फिजिक्स पढ़ना है, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, स्टेप छोड़ के आगे मत पढ़ना. हर एक छोटे छोटे स्टेप को अच्छा से करते जाओ. होमवर्क प्रॉपर करो. अगर होमवर्क कम है, आधे घंटे में हो जा रहा है, तो कम से कम जो नोट्स पढ़े हो उसमें भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ना. सब लेक्चर में हो रहा हो, जो लेक्चर में क्वेश्चन होते हैं घर जाके पहले नोट्स रिवाइज करो, वो क्वेश्चन बिना देखे फिर ट्राई करो. कर पाते हो क्या? नहीं आए तो एक बार चेक करो, नहीं आया तो फिर टीचर से पूछो. जरूर करना है. हो सकता है कि पीछे वाला लेक्चर हुआ हो, अभी तो ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा क्योंकि बेसिक मैथ ही चल रहा है. जब मैं लॉस ऑफ मोशन स्टार्ट करूंगा तो ऐसा होगा कि पीछे वाला पूरा कॉन्सेप्ट ही आज के नए लेक्चर, मतलब पूरा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो आज का नया लेक्चर, और वही कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आ रहा तो आज का लेक्चर तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा. फिर अगर पीछे वाला नहीं आया तो पीछे वाले लेक्चर शुरू होने के पहले ही पीछे के जो डाउट्स तुमने अंडरलाइन किए उसको टीचर से पूछ के खत्म कर दो. जब पीछे का डाउट खत्म होगा तो आपके लेक्चर समझेगा अच्छे से. इधर आ जा, बैठो मस्त ऐसे मस्त क्या क्या लगा दो यार. देखो जरा इसमें क्या क्या लिख क्या है. एड्रेस भी लिखा है. फोर्स 1 की वैल्यू क्या हुआ है a + b,
फोर्स टू दिया है ए माइनस बी और इनका रिजल्टेंट कितना है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन एंगल बिटवीन दीज फोर्सेस दो तरीके से कर सकते हो इसको एक तो तरीका है डॉट प्रोडक्ट से f1 cos f2 is equal to f1 f2 cos theta लेकिन उससे डिफिकल्ट है ये सॉल्व करना उससे डिफिकल्ट है दूसरा आप इसको रिजल्टेंट से बहुत इजीली कर पाएंगे रिजल्टेंट के लिए क्या फार्मूला होता है r is equal to root over a square plus अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos ये थोड़ा आसान दिख रहा है ना रूट बना दिया तो r की वैल्यू कितना r मतलब रिजल्टेंट यहां पे ये दिया है रूट ओवर a square plus b square ये r की वैल्यू है a की जगह आएगा a plus b b की जगह आने वाला है a minus b तो a plus b a माइनस बी cos थीटा ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आता है ना सबको ये प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया एक ये स्क्वायर ए स्क्वायर से बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया अब इसके बाद ये क्या आएगा टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी अब क्या आ रहा है देखो अब ये कैंसिल हो गया मतलब जीरो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस देखो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ ऑप्शन सी सही हो सकता है अगर नीचे माइनस आ जाए ए स्क्वायर माइनस यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा होगा अभी Thank you.
क्या अच्छा।